सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुक्ति का ढंग बताते हैं, एक है सद्य मुक्ति और एक है क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति यूं समझो कि बस शिष्य की भूमिका पूर्ण रूपेण तैयार थी, बस गुरु का होना भर कि शिष्य को उस परम सत्य की याद आ गई, उसे कहते हैं सद्य मुक्ति। जैसे एक दिए में घी भी भरा था, बाती भी अच्छे से लगी हुई थी, बस एक चिनगारी लगाने की देर थी कि ज्योति भभक कर जल उठी, सद्य मुक्ति। लेकिन सबके लिए तो सद्य मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि सबकी तो भूमिका भी तैयार नहीं है, सबके जीवन में तो वो क्षण नहीं आया है कि बस गुरु का मिलना हो जाए और बात बन जाए। तो उनके लिए क्या उपाय है? तो उनके लिए क्रम मुक्ति का विधान बताया। क्रम मुक्ति, जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे। कहा मनः इन्द्रे ये दियः। सबसे पहले जितासनो, अपने आसन को जीतो। हमें पता भी नहीं चलता, किसी से बात करते करते हम अपने पांव को हिला रहे हैं, असभ्यता है, बहुत बड़ी असभ्यता है कि कोई आपसे बात कर रहा है और आप कुर्सी पे बैठे बैठे पांव हिला रहे हो। कोई मेहमान आया है या कोई भी आपसे श्रेष्ठ बैठे हैं, बहुत असभ्य आचरण है ये। पर अब तो बाबू हो गया है ना, बाबू अपने घर के सोफा पे बैठा है, इसलिए ख्याल ही नहीं है उसे, और उसका अहंकार उसके शरीर में होके प्रकट हो रहा है। हमारी जो भीतर की वृत्तियां हैं वो हमारे शरीर में होकर झांकती हैं। आप देखते हो महात्मा गांधी को देखो, संत श्री विवेकानंद जी को देखो, रामकृष्ण परमहंस को देखो, मीरा की कोई फोटो तस्वीर देखो, नानक देव को देखो, कबीर की, सूदास जी की कोई फोटो देखो, या और संत देख लो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देख लो, या और किन्हीं संतों की फोटो आप देखिए, समकालीन हो या अभी थोड़े दिन पहले गए हों या 300-400 साल पुराने हों, फोटो तो मिल सकती है। आप एक चीज उसमें गौर करना, लोग बूढ़े होते होते कुरूप होते हैं, लेकिन संत बूढ़े होते होते सुंदर हो जाते हैं। कोई मेकअप नहीं करते ये लोग, फिर भी सुंदर हो जाते हैं। बहुत सारे मेकअप करने वाले लोग भी उतने सुंदर नहीं दिखते जितने सुंदर वो लोग दिखाई देते हैं। कारण, इनके भीतर जो सफाई हुई है ना, भीतर जो सात्विकता हुई है वो शरीर में से झांकने लगती है। हमेशा चिड़चिड़ाए चिड़चिड़ाए घूमने वाले लोगों की शक्ल देखना, जब वो खुश भी होंगे तब भी लगता है चुड़ैला जैसा मुंह हो रहा है, खुश भी होते तो भी पता नहीं चलता। हमेशा दूसरों का ये चाहने वाले, झांकने लगता है शरीर में कहीं न कहीं होके जो भीतर का विकार है वो झांकने लगता है। हमेशा दूसरों की बात छुप छुप कर सुनते हैं, आप गौर से देखना, बिल्कुल ऐसे ही लगते जैसे चूहा छपकली जैसे है।
शक्ल तो इंसान जैसी होती है पर झांकता जैसे भीतर से वो ही जानवर है। कारण जो भीतर छुपा है वो झांकेगा, वो प्रकट होगा। तो बड़ी असभ्यता, लोग बात कर रहे हैं और बात करते करते पैर हिल रहा है, कुछ ना कुछ मानो करते रहते हैं। अपने शरीर का होश नहीं है जिसको, वो साधना कैसे करेगा। साधना की सबसे पहली सीढ़ी में सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित जितासनो, अपने आसन को जीता जाए। सबसे पहली जरूरत है अपने आसन को जीतना, अपने शरीर को जीतना, जितासनो। और दूसरा जितश्वासो, आती जाती श्वास पर ध्यान रखना। श्वास तो 24 घंटे चल रही है, आप बड़े आराम से ध्यान रख सकते हो। अपने जीवन का कोई भी कार्य करते हुए हम और आप श्वास पे ध्यान रख सकते हैं। प्रत्येक आती जाती श्वास में हमें ये ख्याल करना है कि भगवान का नाम भीतर जाए और भगवान का नाम बाहर आए। संत कहते हैं श्वास श्वास में राम भज, व्यथा श्वास ना खोल, ना जाने फिर श्वास की आवन होए ना हो। अपनी प्रत्येक श्वास में परमात्मा के नाम का ध्यान रखा जाए। जिसकी श्वासें पवित्र हो जाएंगी, जिसकी श्वासों में लयबद्धता आ जाएगी, उसे अपनी इंद्रियों पर संयम करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। प्रत्येक इंद्री को आप अलग अलग संयमित करोगे तो प्रत्येक इंद्री अपना अपना जोर लगाएगी और प्रत्येक इंद्री आपके लिए बल रखती है। आँखें कुछ और चाहती हैं, जीभा कुछ और चाहती है, कान कुछ और चाहते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सभी तो खींच रहे हैं। प्रत्येक इंद्रिया अगर आप जागरूक होकर के देखो तो आप कभी अपना जीवन अपनी मर्जी का तो जीते ही नहीं। जो 16 कलाओं की भगवान ने इच्छा करी थी, उन 16 कलाओं में 10 इंद्री, 1 मन और 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 महाभूत, 1 मन और 10 इंद्री, ये भगवान की 16 कलाएं सबसे पहले इस सृष्टि पर प्रकट हुई थी, जिनसे ये सृष्टि आरंभ हुई, जिनसे ये सृष्टि बढ़ी। और ये 16 कलाएं हम सबको घेरे हुए हैं, इन्हीं से हम बने हैं। पानी में रहकर मगरमच्छ से जीतना बहुत कठिन है, ऐसे ही इन 16 कलाओं में रहकर इन 16ों से जीतना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। पर संत कहते हैं कि ये सूत्र है बड़ा प्यारा कि आप अपनी श्वासों को जीत लो, बाकी इंद्रियां ऐसे जीत जाएंगी जैसे राजा को जीतने से सेना अपने आप जीत ली जाती है, ऐसे जीत ली जाएंगी। राजा के हाथ में आ जाने से जैसे सेना अपने आप परास्त हो जाती है, ऐसे ही जिसने अपनी श्वासों को जीत लिया वो अपनी समस्त इंद्रियों को जीतने में सक्षम हो सकता है।